वहीं दिल्ली में एनडीए सरकार में अपने पार्टी द्वारा 2-3 कैबिनेट पदों की मांग की खबरों पर एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने कहा, मैं ऐसी सभी बातों का खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है, कोई मांग हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। यह विशेषाधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है कि वे अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं और किसको नहीं देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के नेताओं की बैठक थी। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से ही एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है। कल एनडीए के गठन दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। मुझे खैर समय की जानकारी नहीं है कब होगा शपथ, बट हाँ, तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला है। हम लोग कई बार अपने लिए लक्ष्य इतने बड़े कर लेते हैं कि अगर उसमें हल्की सी भी चूक होती है तो सवाल उठने लगते हैं। हकीकत है ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज तीसरी बार लगातार एनडीए को देश का एनडीए को जनादेश मिला है एनडीए के समर्थन में, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतिहास अगर मैं ठीक से मैं जानता हूं तो शायद दूसरी बार ही ऐसा हुआ है इन 7 दशकों में कि किसी एक प्रधानमंत्री को, किसी एक गठबंधन को लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिले। तो अपने में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि का श्रेय मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को ही जाता है। और कल एनडीए की बैठक में एक स्वर में बिना किसी शर्त के तमाम एनडीए के घटक दलों ने पुनः तीसरी बार, महज ये एक औपचारिकता थी बट उसको भी हम लोगों ने पूरा किया और उनके नेतृत्व को पुनः हम लोगों ने स्वीकारा है। और बहुत जल्द मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आप सब मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के प्रति जानते हैं। जीवन के कठिन दौर में था, चुनाव प्रचार में था, किसी भी भूमिका में था, मेरा लक्ष्य स्पष्ट था। लक्ष्य मेरे प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना था। आज मेरे लिए सबसे बड़े उत्साह की बात यही है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात का उत्साह मुझ में, मेरे पार्टी के हर एक सांसद, हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और एनडीए के हर एक कार्यकर्ता में इस बात का उत्साह है। कौन अब सरकार में आता है, नहीं आता है, कौन मंत्री बनता है, नहीं बनता है, ये किसी भी घटक दल की प्राथमिकताओं में नहीं है। मैं कई बार मीडिया चैनल्स पर सुनता हूं कि इसने ये मांग की, वो मांग की, किसी ने नहीं। कल एनडीए की बैठक में सिर्फ हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को पुनः स्वीकारते हुए औपचारिकता हम लोगों ने निभाई है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने, इस बात की तत्परता हम सब में। मैं पूरी तरीके से इन बातों का मैं खंडन करता हूं। कोई मांग नहीं है और मांग हो भी नहीं सकती है, क्योंकि हम लोग का लक्ष्य ही प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना था। उसके लिए हर एक घटक दल ने अपनी एक ईमानदार भूमिका निभाने का काम किया। ये विशेषाधिकार पूर्णतः मेरे प्रधानमंत्री जी के पास ही है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं, नहीं देते हैं, ऐसे में किसी घटक दल की कोई मांग नहीं है।